सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मेरे देश को और बेल आइकॉन को दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Vivo 1804 B11 Pro जो इसका मॉडल नंबर है, ये दो इसमें पैटर्न लॉक है और फिंगरप्रिंट लॉक है। ओके, तो इसको हमें जो है अनलॉक करना है, तो UMT से अनलॉक होगा, लेकिन UMT में हम लोग जो फॉर्मेट FS करते हैं, ठीक है, उसमें ये अनलॉक नहीं हो रहा है। ओके, और इसको ये क्वालकॉम मॉडल है, तो इसको हम लोगों को EDL मोड में ये करना पड़ता है, EDL मोड में लेके जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग जो है मोबाइल के बैक कवर को खोलेंगे और बैटरी के पास में दो पिन है उनको हमको शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट मतलब बैटरी की पिन नहीं निकालनी है। ओके, रेडमी में बैटरी की पिन लगाना निकालना पड़ता है, लेकिन इसमें बैटरी की पिन नहीं निकालनी है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग यूजर डाटा फेल हो गया और रिसेट FRP भी फेल हो गया। देखिए पूरा रेड रेड कोडिंग आ रही है जो भी है, ठीक है, इसका लॉग है। तो EDL को शॉर्ट कैसे करेंगे, बैक कवर को खोलेंगे तो बैटरी की पिन नहीं निकालनी है। ओके, और बैटरी के पास में ही दो शॉर्ट पॉइंट होंगे, आप गूगल में देख सकते हैं। ओके, उनको ये करना है, शॉर्ट करना है यूजर के जरिए, और उसको मतलब पकड़ के रखने के बाद में आपको जो है मोबाइल में USB डिवाइस को कनेक्ट कर देना है, सॉरी USB डाटा केबल को कनेक्ट कर देना है, तो आपका जो है EDL मोड में पकड़ लेगा, ठीक है। तो अब इसका प्रोसेस क्या है, देखिए अल्टीमेट मल्टीटूल फिर से खोलेंगे और यहाँ पे हम Vivo सेलेक्ट करेंगे। ओके, और मॉडल के अंदर V11 Pro जो है उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए आप देख सकते हैं Vivo FS FRP ऑप्शन एक आ गया है, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, और फिर से जो मोबाइल है उसको EDL मोड में कनेक्ट करवाएंगे। ओके, देखिए पकड़ लिया है और फॉर्मेटिंग चालू हो गई है। ओके, हमने फिर से EDL मोड में इसको पकड़ाया, ठीक है, मोबाइल को डिसकनेक्ट करके फिर से EDL मोड में। ओके, तो ये फॉर्मेटिंग यूजर डाटा दिखा रहा है, लेकिन अगर ये फॉर्मेट नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आप फॉर्मेट के ऊपर चले जाएंगे, रिकवरी मेन्यू में चले जाएंगे, वहां से सारा सब कुछ है जो वो वाइप डाटा कर लेना है। ओके, वाइप डाटा करने के बाद सिंपली रिस्टार्ट कर देना है, अगर वाइप डाटा फेल भी बताएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रिबूट कर दीजिएगा और आपका जो लॉक है बाईपास हो जाएगा।